Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I will teach you maths. In maths, our topic is ascending order. बच्चों हमने पिछली बार भी ascending order किया था ना, तो आज हम उसे ही repeat कर रहे हैं. मैं आपको एक बार और समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ascending order कैसे होता है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं मैंने आपको. ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास. इसमें आपको देख के बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है. ठीक है, तो बच्चों ये 4 से है स्टार्ट. ये नंबर, ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है फर्स्ट डिजिट. ठीक, और यहाँ पे कौन सी है, यहाँ 3 है, इधर भी 3 है फर्स्ट डिजिट. तो 4 से तो 3 छोटा होता है ना, तो पहले हम कौन सी डिजिट के नंबर देखेंगे. 3 डिजिट के नंबर देखेंगे पहले, क्योंकि 4 डिजिट तो 3 से बड़ा हुआ ना, तो 3 डिजिट के हम नंबर लेंगे. ओके, तो 3 डिजिट के जो नंबर हैं उसमें 3737, 3939. अब यह आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सबसे छोटा हुआ. कौन सा सबसे छोटा हुआ, 3737. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज, नेक्स्ट नंबर कौन सा हुआ फिर. ये 4 से 3 छोटा होता है तो हम यही नंबर लिखेंगे ना, 3939. नेक्स्ट है, अब हमारे पास वी हैव 2 नंबर्स आर लेफ्ट. ओके, 2 नंबर्स हमारे पास बचे हैं, तो इन 2 नंबर्स में से 4545 एंड देन 4646. तो बच्चों 4 तो दोनों में सेम है ना. अब नेक्स्ट लास्ट नंबर कौन सा है हमारा, 5 एंड देन 6, है ना. तो अब 6 एंड 5 में से कौन सा छोटा होता है, कौन सा नंबर पहले आता है, 5, है ना. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4545. नाउ ये अब हमारे पास सिर्फ 4646 नंबर ही बचा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4646. ओके, आप सबको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे समझा रही हूँ. कुछ भी प्रॉब्लम होगा बेटा मम्मा से जरूर पूछना, आपको मम्मा कराएंगी ना. ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी मम्मा से जरूर कंफर्म करना. नाउ और नेक्स्ट इज 8888, 4444, 3333, 2222. अब यहाँ पे जो डबल डिजिट के नंबर दिए हैं मैंने आपको, सेम डिजिट के ही 2-2 नंबर्स हैं, है ना. तो हमें क्या करना है, अब इसमें से हम देखेंगे 8, 4, 3 एंड देन 2. तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, इसमें से 8 तो हुआ सबसे बड़ा, फिर 4 हुआ 8 से छोटा, 3 हुआ 4 से छोटा, और 2 हुआ 3 से भी छोटा. यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 2222. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2222. देन अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स बचे हैं ना, वी हैव 3 नंबर्स आर लेफ्ट. तो इन 3 नंबर्स में से हमें देखना है कौन सा नंबर यहाँ आएगा, 3333. 4444 से भी छोटा क्या है, 3333. नेक्स्ट इज 8888 से छोटा क्या है, 4444. तो यहाँ पे आएगा 4444. फिर हमारे पास क्या बचा, 8888. हम यहाँ लिखेंगे 8888. ओके, आप सबको समझ में आया ना, जैसे मैंने समझाया है आपको ऐसे ही अपनी मैथ्स की नोटबुक में आपको ये वर्क करना है. यू डन ऑल दिस वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके, डू योर